घर में खाली बैठे हो तो बात जरा ये सोचो, अब सड़कों पर कौन दिखाई देता है? अब सर फटने वाले शोर में एक मौन दिखाई देता है। मैं खुश हूं कि अब घर पर अपनों के साथ हूं, अभी कुछ दिन सुकून से परिवार के पास हूं। आज हवाओं को फिर से बहते देखते हैं, न्यूज चैनल बंद करके एक अच्छाई की किरण को देखते हैं। चलो फिर से अपने घर को घर बनाते हैं, आज मम्मी का किचन में हाथ बटाते हैं, अपना बिस्तर खुद लगाते हैं, पुरानी किताबें निकालकर कुछ वक्त खुद को देते हैं, अपने सारे फोटो एल्बम्स निकालकर पुराने लम्हों को एक बार फिर से जीते हैं। ये क्वारंटीन पीरियड का फायदा उठाते हैं और वो सारे काम करते हैं जो काफी समय से अधूरे रह गए थे। लेते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस, सीखते हैं वो नई भाषा, वक्त देते हैं खुद को और अपने संगीत को, छोड़ देते हैं अब आलस, जरा उत्पादित होकर घर पर ही कर लेते हैं अपने ऑफिस का सारा काम। आज फिर से रंगों का ब्रश उठाओ या कलम या कैमरा ही सही, क्या पता एक नया हुनर मिल जाए। सही में ब्रो, मेरा आइडिया अपनाओ, अपने घर को घर बनाओ, चाहे कोई पौधा लगाओ, हो सके तो अपने कमरे सजाओ, अपना टैलेंट दुनिया को दिखाओ, अपनी मानवता को जगाओ, बेजुबान जानवरों को खाना खिलाओ, हर रोज की भागदौड़ से दूर हो। अभी यही वक्त है दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी समय देने का, खुद से प्यार करना और खुद ही खो जाना। अभी समय मिला ही है तो कर लो थोड़ी मेहनत, घर की छत पर ही कर लो थोड़ी कसरत, हंसो खेलो अपनों के साथ, अच्छे करो ये हालात। जब घर में नजरबंद हो ही गए हो तो सुलझा लो ना अपने सारे मसले, अभी जो वक्त मिला है ये वापस नहीं मिलेगा, फिर भागना शुरू करोगे तो क्या पता कहां और कब रुको।